दोस्तों नमस्कार और वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हिंदी ऑटोमोबाइल्स चैनल ईपी टेक्निकल गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको हम फिर से दिखाने वाले हैं टाटा की एक और गाड़ी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टियागो, जिसका कि एनर्जी वेरिएंट आता है स्पोर्टी लुक में। और फ्रेंड्स, इसका आप जो वर्जन देखने वाले हैं पेट्रोल में है, लेकिन मैनुअल है। बावजूद इसके आपको इसमें टच स्क्रीन और सभी सिस्टम मिलेंगे। पावर बिल्कुल सेम मिलेगी 1200 cc की, जिस तरीके से टियागो में आती है, लेकिन कुछ स्पोर्टी टाइप में गाड़ी टाटा ने बनाई है, इसलिए एनर्जी के नाम से ये गाड़ी आती है। क्या इसमें विशेषताएं हैं, आपको गाड़ी क्यों परचेज करनी चाहिए, कंफर्ट क्या क्या फीचर्स हैं तथा क्या प्राइस है, क्या फीचर्स आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दिखाएंगे इसका एक क्विक रिव्यू, उसके बाद में बताएंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो कि अच्छी गाड़ियाँ परचेज करना चाहते हैं, जो कि बिल्डअप क्वालिटी में भी बेटर हों तथा फीचर और कम्फर्ट्स भी जिनके काफ़ी अच्छे हों। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं टियागो का एनर्जी का सिल्वर कलर वाला वेरिएंट, जो काफ़ी स्टाइलिश लगता है। हालांकि ये बिल्कुल स्पोर्टी टाइप की ही गाड़ी है और इसीलिए इसके ये वेरिएंट्स निकाले हैं टाटा ने। इंजन और जहां तक फीचर्स हैं, आपको कुछ अपग्रेड ही मिलते हैं अगर आप टियागो से इसे कंपेयर करते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी गाड़ी ये पावर के हिसाब से, कंफर्ट और फीचर के हिसाब से है, जब आप जानेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों इसका एक शॉर्ट रिव्यू एक्सटीरियर का और इंटीरियर का, ताकि आप जान पाएँ इसमें ऐसा क्या विशेष है कि आपको ये गाड़ी परचेज करनी चाहिए। कंपेयर करते हैं अगर आप सेम सेगमेंट की अन्य गाड़ियों से, जो कि 1200 cc में आती हैं तथा इस प्राइस रेंज में आती हैं, जो अंडर 6 lakh में स्टार्ट होता है, तो उस प्राइस रेंज में आने वाली ये गाड़ी काफ़ी अच्छे फीचर लेकर आई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं इसका इंटीरियर व्यू, बाद में बताएंगे कंप्लीट फीचर्स भी। फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं इसका एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके अलावा सभी कंट्रोल आपको पावर स्टीयरिंग में मिल जाते हैं, यानी कि मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग भी आपको मिल रहा है अगर आप इसका मैनुअल वेरिएंट्स भी लेते हैं। हालांकि जब आप इसका AMT वेरिएंट, तो दोस्तों देखिए आप ऑल टू ऑल फ्रंट में जो फंक्शन इसके इस गाड़ी में यानी टियागो NRG में मिलते हैं, आप जानते हैं ये, आप इसका रीडिंग लैंप आपको मिलता है, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं सेंटर में है, रियर और फ्रंट के आपका दोनों ही काम ये करने वाला है। इसके अलावा जहाँ तक मेन ऑफ सिस्टम्स की बात है, वो आपको बिल्कुल वही मिलते हैं जो टॉप वेरिएंट में XZ+ में आते हैं टियागो में। और ये देखिए दोस्तों, ये आप इसका रियर व्यू देख सकते हैं। तो ये है इसका रियर व्यू, और सबसे पहले आप देखिए एक शॉर्ट रिव्यू, जैसे कि हमने आपसे कहा है। आफ्टर व्यू आपको बताएंगे इसके फीचर्स के बारे में। ये है टियागो NRG। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, इसके फ्रंट से ही आप देखिए, ये आपका मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, जिसके द्वारा आप कड़ी ड्राइव करते हुए कॉल सुन सकते हैं बिना डिस्टर्ब हुए। इसके अलावा ऑडियो कंट्रोल यहीं पर कर सकते हैं, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और FM AM वगैरह सभी इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिल जाते हैं। और इसके अलावा आप देखिए पावर सॉकेट, USB सॉकेट आपको यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ से आप अपनी आप AC एडजस्ट कर सकते हैं एज ए
टेम्परेचर यानी कि बिल्कुल अगर आप गर्मी के मौसम के हिसाब से ठंडा रख सकते हैं या सर्दियों के मौसम के हिसाब से जिसे गर्म भी रख सकते हैं, ये इसमें मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे, अब साइड में आपको दिखा देते हैं, ड्राइवर साइड में आपको मिलता है इसका वन टच ऑपरेटिंग सिस्टम, बोतल होल्डर्स और यहाँ पर पावर एडजस्टेबल आपके रियर व्यू मिरर हैं, यानी जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं इस नॉब के द्वारा ही। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काम करता है बिल्कुल। और ये मैनुअल सिस्टम है तो आपको इसमें तीनों चीज़ें मिलती हैं, क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेशन करने के लिए। ये देखिए, आपको रेस देने के लिए तीनों आपको मिलते हैं यहाँ पर, ये आपका हैंड ब्रेक। और इसके अलावा यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है दोस्तों, ये आप देखेंगे, यहाँ पर बोतल आप रख सकते हैं और सीटें बिल्कुल हाइट एडजस्टेबल और नंबर सपोर्ट इसमें मिलता है। इन फीचर्स के अलावा जो मेन फीचर्स आते हैं सेफ्टी के, उनमें आपको ड्यूल एयरबैग्स यानी कि पैसेंजर और को पैसेंजर के लिए मिलेंगे, और साथ में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और ABS जो EBD जो अनिवार्य कर दिए गए हैं नई सेफ्टी रूल्स द्वारा, तो वो सभी इसमें आपको मिल रहे हैं फ्रेंड्स। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ये हरमन का साउंड सिस्टम, जिसके स्पीकर्स आपको पीछे तक मिलते हैं डोर में, तो साउंड सिस्टम भी बहुत ही बेहतरीन आता है हरमन का, वो भी इसमें आपको मिल रहा है एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो ये आपको फीचर्स मिल जाते हैं अगर आप NRG परचेज करते हैं। और उसी प्राइस रेंज की गाड़ी है फ्रेंड्स, जो कि आपको अन्य गाड़ी आप देखते हैं सेम सेगमेंट की, यानी प्राइस भी हाइक नहीं किया गया है और उसी प्राइस में काफ़ी कम्फर्टेबल और कम्फर्ट की गाड़ी आपके लिए टाटा लेकर आया है दोस्तों। और ये अवेलेबल है, देख सकते हैं आप, और ये इसके बिल्कुल स्टाइलिश आप देख सकते हैं व्हील्स, और ये है ऑल टू ऑल आपकी NRG दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट डिटेल्स टियागो NRG के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स, और इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने सभी उन फ्रेंड्स को जो कि टाटा की गाड़ी परचेज करना चाहते हैं दोस्तों। और मिलेंगे नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ, और आप भी देख सकते हैं अपनी मनपसंद की, अपनी चॉइस की वीडियो हमारे चैनल पर, कंपेयर वीडियो। अगर आप कंफ्यूज हैं किसी गाड़ी के परचेज में तो आप सजेशन ले सकते हैं, अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें शेयर करें कमेंट्स बॉक्स में, साथ ही अपना स्पेसिफिक बजट, ताकि आपको सजेक्ट कर सकेंगे आपको कौन सी गाड़ी परचेज करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और फ्रेंड्स सड़क पर रखिए सेफ्टी का ध्यान, सेफ्टी इज़ द फर्स्ट, स्पीड इज़ द सेकेंड। नमस्कार दोस्तों।